सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं 240 GB की SSD का। इसको मैंने ख़रीदा है amazon.in से, और क्रूशियल कंपनी की ये SSD आती है, जो सबसे चीप आती है, यानी कि सबसे सस्ती SSD इसी कंपनी की आती है। और अगर बात करें वारंटी के बारे में, तो लगभग आपको 3 साल की इसके अंदर आपको वारंटी मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 साल की आपको वारंटी मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। और SSD क्यों लेनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली लोग जो है हार्ड ड्राइव के अंदर अपनी, यानी HDD जो आती है उसके अंदर अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं। लेकिन अगर आप एक नया PC बिल्ड कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली SSD के साथ जाइए, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी स्पीड मिले और ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग आपको मिल पाए, ताकि आपका जो CPU है वो फुल तरीके से जो है काम कर पाएगा, अगर आप SSD के अंदर अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे। और अगर आपका पुराना PC भी है, तो भी आप SSD को जो है डाल करके और अपनी पुरानी विंडोज़ को जो है क्लोन कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि कैसी दिखती है इस क्रूशियल कंपनी की SSD। तो बॉक्स में हमको कुछ इस तरह का सामान देखने को मिलता है, क्रूशियल SSD। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की बॉक्स पैकिंग के अंदर ये आता है। यहाँ पर 2 पोर्ट्स लगेंगे, यानी एक SATA केबल लगती है और एक आपकी पावर सप्लाई से आने वाली केबल लगती है। तो 2 लगेंगी, 6 GB वाली SATA केबल इसके अंदर लगती है, और 240 GB की मैक्सिमम स्टोरेज है। 120 GB भी आती है, बट वो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। आज के टाइम में आपको एटलीस्ट 240 GB तो ले ही लेनी चाहिए, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी लो हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ छेद आपको दिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है आप स्क्रूज लगा करके जो आपका PC है उसको लगा सकते हैं उसके अंदर, यानी CPU में लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको साइड में भी कुछ छेद दिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरफ आपको दिख रहा होगा। मैं ट्राई करता हूँ जूम करने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्क्रू है, यहाँ पर भी फिट हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो कैबिनेट है वो किस तरह का है। तो चारों साइड आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन कोई स्क्रू आपको बॉक्स में नहीं मिलता है, ये आपको अलग से ही लगाने पड़ते हैं। तो कुछ इस तरह की बॉक्स पैकिंग के साथ आता है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आपने मेरा अभी तक वीडियो नहीं देखा है एथलॉन वाला, यानी AMD के प्रोसेसर वाला, तो आप उसको भी ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। उसको मैंने अभी अपलोड कर दिया है, तो उसको भी ज़रूर से आप चेकआउट कीजिए और देख लीजिए कि ये प्रोसेसर आपको अगर आपके बजट में फिट हो रहा है, क्योंकि सबसे सस्ता प्रोसेसर ही यही है वैसे AMD का। तो अगर आप इसको लेते हैं, तो आपको एक अच्छा ऑफिस PC या फिर एक नॉर्मल बजट गेमिंग PC आप बना पाएंगे। उसके बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, और 13 से 15 हज़ार रुपये के बीच में एक बहुत ही जल्द एक PC बिल्ड करूँगा, और उस पर एक सेपरेट वीडियो आएगी। तो आई होप आपको ये जो वीडियो भी पसंद आई होगी, क्योंकि इसके अंदर जो है आप SSD लगाते हैं अगर आपने अपने PC के अंदर, तो आपकी जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं या फिर आप डे टू डे कोई भी टास्क करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी फास्ट स्पीड मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप कोई भी अदर कंपनी की स्टोरेज, मतलब यानी कि SSD लेते हैं, जैसे कि WD हो गई या फिर किंगस्टन हो गई, तो परफॉर्मेंस में आपको कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्मेंस मिलेगी। और अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूँ, तो ये मुझे पड़ी है लगभग 2600 रुपये की। तो डिपेंड करता है कि आप कब ले रहे हैं, मुझे लगभग 2600 की पड़ी है, और इससे कम की प्राइस में अभी तो आपको 240 GB नहीं मिल रही होगी। तो ये आप ले सकते हैं अगर आपका बजट है, और 120 GB भी ले सकते हैं, फिर 500 GB भी ले सकते हैं। लेकिन हार्ड ड्राइव लगाने की बजाय अगर आप पहले इसको लगाते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले SSD ही लगा लें। तो आई होप अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।